महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है यहाँ कोविड के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में 4 महीने बाद बुधवार को एक दिन में कोविड 19 के सबसे ज्यादा 2,701 केस नए सामने आए हैं। अकेले राजधानी मुंबई में 1,765 नए केस दर्ज किए गए। इस समय महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 9,806 है, यानी कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। इससे पहले मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,881 नए केस दर्ज हुए थे, जिनमें से एक मरीज BA.5 वेरिएंट का भी मिला था। बताया जा रहा है कि एक महिला में BA.5 का संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड संक्रमण के 2,701 नए केस सामने आए हैं, जो कि मंगलवार के केसों की मुकाबले 820 अधिक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में कोविड संक्रमण की दर आसमान छूने लगी है। बुधवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 1,765 कोविड मरीज मुंबई के हैं। मंगलवार को आए केसों की तुलना में बुधवार को 81% केस मुंबई में अधिक मिले। इसके साथ ही मुंबई में सोमवार को आए कोविड केसों की बात करें तो इस दिन 1,036 केस नए सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, 6 जिलों में बढ़ रहा है। मुंबई है, पुणे है, ठाणे है, पालघर है, रायगढ़ है, तो यह जिलों में अभी पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है तो उसके माध्यम से वहाँ पर ज़्यादा टेस्टिंग होने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,881 नए केस दर्ज किए थे, जबकि सोमवार को कोविड के 1,036 मामले सामने आए थे। मंगलवार को अकेले मुंबई में कोविड 19 के 1,242 नए केस दर्ज हुए थे, जो सोमवार को 676 थे। साफ है महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उधर उद्धव सरकार ने कोविड से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार महाराष्ट्र में इस समय में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 9.74% है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 100 लोगों में से लगभग 10 जिनका कोविड के लिए परीक्षण किया जाता है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान भी आपसे अपील करता है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें।